हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, आज हम आए मैदान में और वहाँ से आप देख सकते हैं जो पतंगें चेक हो रही हैं वो हमारे अपोनेंट की पतंग है। और अभी मैंने पहला पेच काट रखा है इनका, और ये रही मेरी पतंग। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ऊंची पतंग है, और मैदान काफ़ी शानदार मैदान है, ये देख सकते हैं आप चारों तरफ। और हमारे जो मेम्बर हैं, एक मेम्बर आ रखे हैं, वो बाइक से आ रहे हैं उधर, वो मेम्बर हमारे एक टीम के आ गए, और अभी एक दो और आएंगे, ज़्यादा आएंगे, तीन पे तीन प्लेयर लड़ा रहे हैं। और वहाँ से देखिए हमारे अपोनेंट पार्टी अपनी पतंग छोड़ दी भी, और ये कुछ हमारा सामान रखा है। और ग्राउंड काफ़ी शानदार ग्राउंड है, आप लोग देख सकते हैं, कहीं पर भी लड़ा दो आप, कहीं की भी हवा में। और यहाँ पे देखिए हमारे एक और टीम के मेंबर आ गए हैं। तो अभी जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेस सही हो गया है, और ये भाई जो लड़ा रहे हैं नीचे से हैं, तो ये चढ़े अंदर को। और हवा की स्पीड आज ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं काफ़ी हल्की हवा चल रही है। ये हमारे अपोनेंट ने पूरा सीधा गद्दा मारा है, और यहाँ पे इन भाई ने देखी पतंग रोकी है काफ़ी देर तक, और यहाँ पे इन्होंने पतंग थपथपा दी है, और बहुत बढ़िया काट दी। तो इन्होंने क्या करा, हमारे अपोनेंट ने पूरा सीधा गद्दा मारा, इन्होंने पतंग वहीं थपथपा दी, और हमारा अपोनेंट वहीं गिर गया। तो दोस्तों, यहाँ पे हवा की जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रही है, इसलिए हमें जगह भी बार बार अपनी चेंज करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे ग्राउंड में ये फ़ायदा रहता है कि आप जगह आराम से चेंज कर सकते हो जैसी हवा की डायरेक्शन चेंज होती है। और सामने अगर हम दिखाएं तो वो रही हमारे अपोनेंट, वो देखिए अपनी रेड कलर की पतंग चेक कर रहे हैं। वो लोग थोड़ा छाया में खड़े और हम ये खड़े, और जो हमारे बाकी के मेम्बर वो पीछे बैठे। तो यहाँ पर ये वाले भाई पेड़ लड़ा रहे हैं, और ये ऊपर से हैं, और जो हमारे अपोनेंट है वो नीचे से आ रखा है, इसलिए वो आगे से लड़ा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने हल्का सा पेस फंसाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमारे अपोनेंट ने अपनी पतंग बचा ली है। ये हमारा अपोनेंट चढ़ते हुए आ गया है काफ़ी अंदर। हवा की स्पीड थोड़ी हल्की है, और हवा बार बार चेंज भी हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पतंग का मुंह बनाया बाहर का निकलता हुआ, और इन्होंने खींची, लेकिन कट गए आपकी बारी। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा पेज आ गया, और मेरा जो पेज है वो नीचे से है, इसलिए मैं आगे आया हूँ। और जो ये वीडियो बना रहे थे, तो ये भैया बना रहे थे हमारे, जिनका भी मैंने पेज दिखाया, तो यार थोड़ा आखिरी में इन्होंने मुझे नहीं दिखाया जिस समय मैंने पेज काटा था। इस समय तो सही है, लेकिन आखिरी में ये पेज देखते रह गए, और मैं कैमरा से थोड़ा पीछे को निकल गया था, लेकिन पेज फिलहाल मैंने काट दिया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस वाले पेज में क्या हुआ था, मैं नीचे से था, और जो हमारी अपोनेंट था उसकी पतंग में झोल बहुत था, तो मैंने क्या करा था, उसका पूरा झोल ही खींच लिया था। तो यहाँ पर देखिए, मैं पूरा झोल खींच गया था अपने अपोनेंट का, और यहाँ पर मैंने उसकी पतंग काट दी थी। तो दोस्तों, अब हो गई शाम, और अब जाके मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने का। मैं सामने आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा धुंध जैसी दिख रही होगी, और सामने वहाँ पे टीमें भी खड़ी हैं, अभी उनका गेम चल रहा है, और यहाँ पे हमारा गेम अब बंद हो चुका है। तो इसलिए अब हमें थोड़ा सा टाइम मिला था वीडियो बनाने का, और ऊपर देखिए पेज भी लड़ रहा है। तो यार, जब हमारा गेम होता तो यार उस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन तैसे वीडियो बनाता हूँ। तो अब थोड़ी शाम हो गई है, और हमें थोड़ा सा टाइम मिला है वीडियो बनाने का, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे पेज लड़ रहे हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पतंगे भी लूट रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे ऊपर पेज लड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, जो बंदा राइट साइड से उड़ा रहा है वो ऊपर से है, और जो बंदा लेफ्ट साइड से उड़ा रहा है वो नीचे से आ रखा है। तो ये देखिए, लेफ्ट साइड वाला नीचे से आया, और ऊपर वाले ने मुँह बनाया बाहर का मारा, और यहाँ पर देखिए पतंग काट दी है इसने। तो काफ़ी बढ़िया इसने पतंग खींची है पूरी बाहर को, और ऊपर वाले की पतंग थोड़ी सी लग भी गई थी जब उसने ऊपर को खींची थी, इसलिए वो कट गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ पे पतंगे लूट रहे हैं, और इनके ये देखिए डंडे कितने बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे देखिए एक ये भाग रहा है, और ये देखो कितनी तेज़ी से भाग रहा है, इसको शायद डोर दिख गई है उस पतंग की, और यहाँ पर देखिए इसने अपने डंडे में फंसा ली है। ये देखिए, इसने डंडे फंसा के पतंग खींच ली, और ये बच्चे सिर्फ देखते रह गए। तो यहाँ पर यही होता है यार। तो अभी मैं इन लोगों ने कुछ पतंगें लूटी हैं, वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ पतंगें लूट के रखी हैं इन लोगों ने, मैं आपको ये दिखाता हूँ। और सारी पतंगें ये पौनी हैं। तो पहली पतंग आप देख सकते हैं, ये रही ब्लैक कलर की। और पतंगें अगर आपको ख़रीदने हो तो आप इनसे ख़रीद सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आपको पतंग मिल जाती है यहाँ पर अच्छे अच्छे कारीगर की।
तो देख सकते हैं ये पतंग इसकी रही, आप इस टाइम देख लेना। और पतंग लंबे फरमे की है, खिंचाई के मतलब की पतंग है, क्योंकि आज हवा हल्की चल रही है तो ज़्यादातर पेच जो है वो खींच के ही लड़ रहा है। तो ये पतंगें इन्होंने अभी लूटी हैं, तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर पतंगें लंबे फरमे की है। और एक पतंग ये रही, ये किस कारीगर की है, तो यहाँ पे महताब काइट मेकर की पतंग है ये मुरादाबाद, ये देखिए आप लोग इस टाइम में देख सकते हैं। और अगर आपको बरेली में किसी भी कारीगर की पतंग चाहिए हो तो आप एक बंदे से ज़रूर मिलिएगा, वो है नितिन लाला। तो ये पतंग देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इसका फरमाए। और यहाँ पे ये देखिए फिर से लंबे फरमे की पतंग है, उसके बाद जो ये पतंग है ये शायद दिन में लड़ी होगी जब हवा अच्छी खासी होगी, एकदम जैसे आप कह सकते हैं ढोल पतंग रेंज की पतंग थी वाली। उसके बाद फिर से ये लंबी पतंग है, ये किसकी है आप देख लेना, अब्दुल समद उस्ताद की पतंग है ये। और नीचे से दो ये जो पतंग हैं दोनों ये सारी लंबे फरमे की पतंग है। तो कुछ पतंगें ये भी इन्होंने लूट के रखी हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक दो पतंगें अच्छे कारीगर की हैं। तो सबसे पहली पतंग ये किस कारीगर की है ये तो पता नहीं चल रहा, शायद लोकल पतंग है ये कहीं की, तो इसे हटाता हूँ। उसके बाद ये वाली पतंग देखिए आप, पटेदार। उसके बाद ये वाली पतंग काफ़ी बढ़िया। और ये देखिए बरेली में एक नितिन लाला काइट सेंटर है, इनके पास आपको सारे उस्तादों की पतंग मिल जाएगी। और ये पतंग है अजगर उस्ताद की, देख सकते हैं आप अजगर की ये पतंग है। तो नितिन लाला जो काइट सेंटर है यहाँ पे आपको सारी पतंगें मिल जाएंगी, जितनी पतंगें उस्तादों की पतंगें होती हैं वो सब इनके पास आपको मिल सकती हैं। उसके बाद ये महताब काइट सेंटर की पतंग है, ये पतंग ये रही लंबे फरमे की, ये सारी इन्होंने अभी लूटी हैं क्योंकि अभी जो हवा की स्पीड है वो काफ़ी हल्की हो गई है और पेज सिर्फ 300-400 मीटर की रेंज में लड़ रहा है, इसलिए सब खिंचाई के मतलब की पतंग लड़ा रहे हैं लंबे फरमे की। और ये कुछ मंजा भी इन्होंने पकड़ा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया एक और पेस, तो जो बंदा राइट साइड से है वो ऊपर से है और जो बंदा लेफ्ट साइड से है वो नीचे से आ रखा है। और जो बंदा ऊपर से है उसकी पतंग झोला पतंग है, मतलब झोल काफ़ी है उसकी पतंग में, उसकी पतंग में झोल काफ़ी है ऊपर वाले की। तो नीचे वाला देखिए अपनी पतंग की डोर टाइट करके चल रहा है और यहाँ पर नीचे वाले ने एकदम पतंग खेस दी है, लगता है इसका झोल ही काटेगा। और यहाँ पे देखिए उसने सीधी कर दी है और नीचे वाला और कट गया। तो जो नीचे वाला था उसको पता चल गया था कि जो ऊपर वाली पतंग है उसमें झोल काफ़ी है, तो इसने क्या करा पूरा झोल ही खींच गया ये वाली पतंग का। और ये पतंग अभी कटी है, आप लोग देख सकते हैं ये जा रही है, चप्पा पतंग है ये। तो एक पतंग ये पकड़ी है इन बच्चों ने, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पतंग रही, ये पतंग आप देख सकते हैं वली रहमान की पतंग है, ये रही वली रहमान की स्टैम्प। और यहाँ पे देखिए हमारे भैया पतंग देख रहे हैं कैसी पतंग है, कैसी है पतंग, काफ़ी बढ़िया है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लूटी थी, हमने उन्हें दे दी है पतंग। और ऊपर आप देख सकते हैं ये लड़ रहा है पेज, ये आपको दिखाता हूँ, एक पतंग वो देखिए वो कट के जा रही है। तो ये बंदा नीचे से है और यहाँ पे इन्होंने डबल का पेज बनाया, देखिए डबल का पेज बन गया है। तो यहाँ पे डबल का पेज बन गया और पेज यहाँ पे फंस गया है, तो देखते हैं किसकी पतंग कटती है। तो दोस्तों यहाँ पे पेज अभी नहीं पड़ा था, तो ये पेज दोबारा से फेरा जाएगा। तो दोस्तों अब हो गई शाम और ये आखिरी के एक दो पेज जो लड़े थे उनकी पतंगें कट के जा रही हैं। और जो टीम थी उन्होंने सबने अपनी अपनी पतंगें उतार ली हैं, ये देखिए सब पतंगें उतर रही हैं। तो दोस्तों वहाँ पे फिर मैंने वीडियो वहीं पर ही एंड कर दी थी क्योंकि शाम हो गई थी। और आपने देखा पहले जो हमारा गेम लड़ा था उसकी तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि जब लड़ते हैं पेज यार तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, वरना जो आपके साथ वाले होते हैं या जो आपके अपोनेंट होते हैं वो कहते हैं यार तुम पतंग अपनी नहीं बढ़ा रहे हो वीडियो बना रहे हो, तो इस चक्कर में टाइम नहीं मिलता। लेकिन तब भी मैं पूरी कोशिश करता रहता हूँ वीडियो आपके लिए दे सकूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंगबाज दोस्तों में, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।